देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है, साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 58,097 नए केस सामने आए हैं, वहीं 534 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2,135 मामले सामने आ चुके हैं। जानिए आज देश में कोरोना की ताज़ा स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,14,004 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,82,551 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 15,389 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद सभी तक 3,43,21,803 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 147 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 96,43,238 डोज दी गई हैं, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 137,72,08,846 डोज दी जा चुकी हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।